नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात कांग्रेस की। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इसमें वायनाड से राहुल गांधी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली से पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। 39 उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट में कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से 15 और एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से 24 लोगों को टिकट दिया है। इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, सीडब्ल्यूसी के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की। केरल के वायनाड में राहुल गांधी एक बार फिर दम दिखाएंगे। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर फिर से किस्मत आजमाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजनंद गांव से लोकसभा के दंगल में दो दो हाथ करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिनमें राहुल गांधी वायनाड, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम, डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण, केसी वेणुगोपाल अलापुझा, राम्या हरिदास अलाथुर, भूपेश बघेल राजनांदगांव कोरबा, ज्योत्सना महंत ताम्रध्वज साहू महासमुंद, सालेंगे संगमा तुरा शामिल है। 39 उम्मीदवारों की इस पहली लिस्ट में कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से 15 और एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से 24 लोगों को टिकट दिया। पहली लिस्ट जारी होते ही कांग्रेसियों ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर कर देगी। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे केसी वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। Reality is in our country. The BJP is going to find it very tough to even repeat the 303 they had. I'm convinced that this time the BJP is going to lose the government. 39 उम्मीदवारों वाली कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसियों के नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें देश की राजधानी दिल्ली की किसी भी सीट का जिक्र नहीं, सबसे बड़े सूबे यूपी का भी जिक्र नहीं। यानी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, प्रियंका गांधी रायबरेली से डेब्यू करेंगे या नहीं, इन सवालों के जवाब शामिल नहीं। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा, इसका उत्तर भी मिलना बाकी है। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।